स्थानिक अपराध शाखा नागपुर ग्रामीण की टीम ने यह कार्रवाई सावनेर तहसील के वलनी कोयला खदान परिसर के वलनी वेकोली कॉलोनी में की। जेसीबी मशीन से ट्रक में रेती भरते वक्त स्थानिक अपराध शाखा की टीम ने एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। जांच में पता चला कि कार्रवाई में पकड़ा गया ट्रक वलनी निवासी और खून के मामले में फरार कुख्यात आरोपी लतीफ हाफिज अंसारी का है। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई के प्रति हलचल और तेज हो गई। ट्रक और जेसीबी और 6 ब्रास रेती जब्त कर आरोपी जेसीबी ऑपरेटर श्रीकांत भीमराव ऊके उम्र 27 को रेत चोरी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब्त किए गए माल की कीमत 27,12,000 है। इस मामले में जेसीबी मालिक और ट्रक लतीफ अंसारी और ट्रक ड्राइवर तीनों फरार है। खून के मामले में लतीफ अंसारी पिछले साल भर से फरार ही है। लतीफ को गिरफ्त में लेने के लिए खापरखेड़ा पुलिस और स्थानिक अपराध शाखा नागपुर ग्राम की टीम प्रयास कर रही है, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली। हाल ही में एक माह पूर्व स्थानिक अपराध शाखा की टीम ने लतीफ के छोटे भाई को देवलापार से पकड़ा था। यह कार्रवाई नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजय मगर इनके मार्गदर्शन में स्थानिक अपराध शाखा के अनिल जित्तावार इनके मार्गदर्शन में स्थानिक अपराध शाखा के PSI अनिल राउत, नाना राउत, शैलेश यादव, अरविंद भगत, वीरेंद्र नरड़, साहेब राव बहाड़े इन्होंने की।